जेएनयू में उठा अर्बन नक्सलियों के पेट में दर्द, स्वरा भास्कर की निकली चीखें, नकाबपोशों को भी पहचानने की है कला, ज्वाइन कर लेना चाहिए रॉ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेदांत और आप देख रहे हैं वेदांत के विचार। दोस्तों, जेएनयू में कल रात एक बहुत ही शर्मनाक घटना घटित हुई, जिसके बारे में शायद आप लोग अवगत होंगे अगर आपने न्यूज़ चैनलों पे एक बार विजिट किया होगा तो। और अब मैं इसमें ये बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे ही ये घटना घटित हुई, सरकार कुछ एक्शन लेती, गवर्नमेंट अपने देश की कुछ एक्शन लेती, फिर वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट पे मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट एक्शन लेती या पुलिस एक्शन लेती, उससे पहले ही कुछ ऐसे अपने देश के जागरूक लोग हैं जिनके हिसाब से ये सही लगता है, उन्होंने इस पर एक्शन लिया और रातों रात उन्होंने तुरंत सरकार के या पुलिस के कार्रवाई करने से पहले उन्होंने इस पर कार्रवाई की। जैसे कि इसमें कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा जो जिन्होंने ज़्यादा इस पर एक्टिविटीज दिखाई अपनी और तुरंत प्रतिक्रिया देने लगे क्रिया के ऊपर, जो जिसमें प्रियंका वाड्रा हो गई और योगेंद्र यादव हो गए, कुछ ऐसे लोगों ने जिस पर तुरंत कार्रवाई की। इसी बीच एक और चर्चित नाम आया हम लोगों के सामने, जिन्होंने रातों रात एक्शन लिया इस पर और उन्होंने भी इंस्टाग्राम पर अपने एक वीडियो डाला है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को देख लें अगर आपने नहीं देखा है तो, उसके इर्द गिर्द जितनी बातें मैं करूँगा आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। Parents live on campus. There is Delhi police presence there, but Delhi police is not going inside campus. They're not controlling the situation. Please, as citizens, collect in large numbers in front of the main gate and please pressurize the police to act. I mean, to stop this rampage. ABVP and RSS backed goons, Bajrang Dal. जैसा कि अभी आपने देखा कि किस तरीके से स्वरा भास्कर चिंतित हैं इस पूरे वाक्यों को लेके अपने माता पिता के बारे में, और आप खुद मुझे बताइए कि जब कोई आदमी युद्ध छेड़ता है या कोई लड़ाई करता है, किसी लड़ाई की शुरुआत करता है, तो आपको क्या लगता है कि वो अपने परिवार को बचा लेगा या वो ये सोच के नहीं आता है कि मेरे पीछे परिवार भी हैं, कुछ लोग हैं, उनको भी दिक्कत हो सकती है? तो ये तो आप सब जानते होंगे, मूवीज़ में देखा है, हिस्ट्री में पढ़ा है कि अगर आप कोई युद्ध या लड़ाई चालू करते हैं, किसी चीज़ में हाथ डालते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके परिवार पे, आपके नाते रिश्तेदारों पे भी वो इफेक्ट करेगा। तो ऐसे में अगर आप एक टाइम ऐसा आता है कि आप पहले अच्छा क्या हुआ कि पहले जेएनयू में ही उन्होंने प्रोटेस्ट के वगैरह में वो पार्टिसिपेट की और उन्होंने उस पर अपना राय दिया, प्रतिक्रिया दी और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वो रैलियों में गईं, ऐसा उन्होंने सब कुछ किया। तो ऐसा करने के बाद अब जब उनके ऊपर ये चीज़ें आई हैं, जब उनको लग रहा है कि मेरे ऊपर संकट आया है, मुझे इससे नुकसान हो सकता है, तो वो अब रोना धोना स्टार्ट किए हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या उन्होंने इन सब चीज़ों को भड़काया नहीं है क्या? क्या उन्होंने इन सब चीज़ों को और प्रेरित नहीं किया है क्या? क्या वो रैलियों में नहीं गई हैं? क्या वो प्रोटेस्ट में नहीं गई हैं जो आज वो रो रही हैं कि उस कॉलेज में मेरे माता पिता हैं, उनको कुछ हो सकता है? आप इस रोने के हकदार नहीं हैं। या तो अगर आपको इतना डर लगता है तो आप इस चीज़ में पढ़िए ही मत, और अगर आपको डर नहीं लगता है और आप पढ़े हैं, आप देश को सुधारना चाहते हैं इस तरीके से अपने काम को छोड़ के, तो आप फिर अब इसके बारे में बात मत करिए कि मेरे माता पिता हैं, रोइए मत, फिर एक बहादुर की तरह आप लड़िए। मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर आप इसमें घुसे हैं तो आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए। अब आप ऐसे रो नहीं सकते गीदड़ों की तरह, है ना? तो ये मैं कहना चाह रहा था कि उनका ये जो रोना धोना है, मुझे कुछ इसमें लॉजिक नहीं समझ में आया। जैसा कि मैंने आपको अभी स्क्रीनशॉट भी दिखाया कि किस तरीके से खुद के उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर ही, उनके इंस्टाग्राम आईडी पर ही लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है। चलिए एक बार को ऐसा होता कि उनके पोस्ट को, उनके वीडियो को कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर डाला जाता और तब वहाँ पर लोग सपोर्ट न करते, तो वो तो अलग बात थी, मानी जा सकती थी। लेकिन खुद के उनके कम्युनिटी में ही उनको, उनके पोस्ट पे कैसी, उनके वीडियो पे कैसी प्रतिक्रिया आ रही है, आपने खुद देख लिया है। और मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो किस तरीके से इतने कॉन्फिडेंस से ये कह पा रही हैं कि एबीवीपी के लोगों ने इस कार्य को पूरा किया है या उनके द्वारा ये कार्य किया गया है। ठीक है, मान लीजिए आपको कहीं से सूचना मिली हो या कहीं से भी मिली हो, तो आप एक देश के नागरिक है, बस इतने तक ही हैं, जिम्मेदार नागरिक नहीं है क्या आप देश के? अगर आप देश के जिम्मेदार नागरिक हैं तो आपको समझना चाहिए कि अगर जो भी कार्रवाई अगर हुई है, ऐसा कुछ कृत्य हुआ है, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके बारे में आप ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके अपना डिसीजन नहीं दे सकते हैं जब तक कि देश की गवर्नमेंट, देश का संविधान, न्याय कानून उसको सत्यापित न कर दे कि किसके द्वारा किया गया, कैसे किया गया। आप
क्योंकि आप बड़े सेलिब्रिटी हैं, आप एक माना जाना चेहरा हैं, तो आप ऐसा कर रहे हैं और इससे आपको समझ में आता है कि आपकी लिटरेसी किस लेवल तक है और आप किस लेवल तक अपने समझदारी का परिचय दे रहे हैं लोगों को। जिस तरीके से एक्टिंग उन्होंने वीडियो में की है वो साफ दिख रहा है। अगर यही एक्टिंग की कला वो अपने क्षेत्र में दिखाती, अपने कार्य क्षेत्र में दिखाती, तो शायद उनको इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत ही न पड़ती। अब तो मैं इस बारे में सिर्फ अपना इतना ही पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा कि आप सभी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी दिग्गज लोग हैं, जो एक देश का माना जाना चेहरा है, जिनको कुछ लोग फॉलो करने वाले हैं, तो वो ऐसा स्टेटमेंट ना दें, ऐसा प्रतिक्रिया ना दें और देश के जिम्मेदार नागरिक होने का एक परिचय दें। और जैसा कि गृह मंत्री जी ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कहा है कि पूरी जांच करने के लिए, तो जब तक जांच का कुछ निर्णय नहीं निकल के आता है तो कृपया इस तरीके का माहौल ना बनाएं और सब काम डाउन चलने दें, जैसे चल रहा है नॉर्मल तरीके से चलने। जब रिजल्ट आएगा तो सबके सामने आ जाएगा, तो आप उस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। हाल ही में मैंने इससे संबंधित एक वीडियो और अपलोड किया था जो कि विद्यार्थियों के बारे में था, उसको भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, आप चाहें ऐसे वीडियोस आगे देखना फर्दर, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।